वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ब्लॉग। आज मैं आपको चावलों का रियूज बताती हूँ। जो हमारे चावल बच जाते हैं दोपहर को नहीं खाए जाते, उनको हम किस तरह से बना सकते हैं। इसको हम राइस, ये हमारे राइस है जो बच गए थे दोपहर में, खाए नहीं गए थे, इसको हम फ्राई करके भी खा सकते हैं। देखिए ये हमारा मसाला हमने ले लिया है, थोड़ा थोड़ा मसाले लिया है, मिर्च लिया है, गरम मसाला है, धनिया है, ये सब चीज़ मसाले ले लिए, तेज पत्ता है, ये हमारी जीरा है, लौंग है, और ये थोड़ी काली मिर्च है, और ये हमारी कुटी हुई हरी इलायची है, एक हमने बड़ी इलायची है। ये हमने मसाले ले लिए हैं फ्रेंड्स। ये अपने हमने वेज ले लिए है, लम्बे लम्बे पत्तों में काट के, ग्रीन चिली काट लिए थोड़ी सी, ये सब वेज ले लिए हैं। टमाटर काट लिया, प्याज लम्बे लम्बे चॉप कर लिया है, ये थोड़ी शिमला मिर्च कर ली है, और ये ग्रीन चिली है। फ्रेंड्स आइए हम इसे बनाते हैं। हम कुछ ऑयल डाल देते हैं, थोड़ा सा इसमें हम कुछ ऑयल डाल देते हैं, इसमें हम अपने ये खड़े मसाले जो हमने काट कर बना के रखे थे, ये हम सब। हमने ये ढक के रख दिया था, और हमारा ये सारी वेज पक गई है। आप देख सकते हैं ये हमारी पक गई है। इसमें हम कोई चाहिए ग्रीन चिली सॉस, ये हमने खुद ही बनाई थी, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आप देख सकते हैं। इन चाइनीज डिशेस में हम हरी नमक से और हरी मिर्च से बनाते हैं, मिर्च कम डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल, इसे हम अब तीखी बनाते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखी पसंद है तो फ्रेंड्स आप तीखी ये लाल मिर्च का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी ये डिश पसंद आ रही हो तो आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें, और हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है इससे, बहुत खुशी मिलती है। फ्रेंड्स देखिए हमारी ये डिश बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम दो मिनट के लिए अपना लेट लगा देंगे, गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, लेट लगा देते हैं। फ्रेंड्स इसे हम ओपन कर लेते हैं, इसे ज़्यादा देर नहीं रखता क्योंकि हमारे राइस पके हुए हैं, इसलिए हमें थोड़ा ही चला कर इसको निकाल देना है, इसे अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है चावल, और हमारे चावल का यूज हो गया, तो इसलिए आप इसे बनाएं खाएं और हमें बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल हैप्पी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।